الحمد لله الذي جعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاه والسلام على من هدى وبالاهتداء يحقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى اله واصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब शराली सदरी वसरली अमरी वाहलुतमिलसानी यफ़हू कोहली अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी व जामिया अनवारिया हैदराबाद इंडिया के जेर अहतमाम कुतबी तस्दीक का दर्ज किस्तवार जारी है नाम बाकी हा होना शेयन वह वह अनना शर्तिया ये इबारत जो मैं अभी पढ़ा इस इबारत से शायर क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा पीछे से दो मिनट में लूँगा रब्ता बयान करने में कि मुसनफ़ ने हमलिया व शर्तियाँ की तारीफ़ की तारीफ़ गुजर चुकी है उसको पलटाऊँग उस तारीफ़ पर एक एतराज़ है हमलिया और शर्तिया की तारीफ़ पर एतराज़ है एतराज़ ये है कि देखो हमारे सामने मिसाल के तौर पे ये चंद कजिया है मसलन जैदा युज़ाद हो जैदल आलि मसल ये कजिया है अशम सतुलज़म यलज़मार मौजूद ये कजिया है मसात को तकिल बिन नकल कदम है ये कजिया है तो ये कजाया हैं और आपने जो हमलिया और शर्तिया की तारीफ़ की उस तारीफ़ के बिना पर लाजिम ये आएगा कि ये हमलियात से निकल जाएं और शर्तिया में दाखिल हो जाए क्यों क्योंकि अभी तीन कजाया जो मैं आपके सामने रखा हूँ ये तीनों अमर में हमलियाँ हैं हालांकि आपकी तारीफ़ के बिना पर लाजिम आएगा कि ये हमलिया से निकल जाएँ तो हमलिया की तारीफ़ जामे नहीं और शर्तिया में दाखिल हो जाए तो शर्तिया की तारीफ माने नहीं कैसे लाजिम आएगा पिछले सबक में बयान किया हूँ अभी सिर्फ मोटे तौर पर बयान कर रहा हूँ तो इसका जवाब शारे ने यह दिया के देखो हमलिया की तारीफ़ जामे हैं और शर्तिया की तारीफ़ माने हैं क्योंकि जिन कजाया को लेकर के आपने एतराज़ किया है उन कजाया के अंदर अतराफ़ भले दो दोफरत बिलफेल ना हों मगर दो मुफ़रत बिल को दो मु मफरत तो हैं तारीफ़ में जो मुफरत क्लब्स आया है कि जिसके तरफ तहलील के बाद दो मुफरत हों उससे मुराद आम है बिल फेल हो या बिलकुवा हो जिन कज़ाया को लेकर के आपने एतराज़ किया उन कज़ाया में उनके अतराफ़ बिल फेल दो मुफरद नहीं है मगर बिलकूँ मुफरत है मसलन हाजा जाका, हाजा ओआ हो वगैरह से उसकी ताबीर हो सकती है तो हमलिया की तारीफ़ जामे रही शर्तिया की तारीफ़ माने रही इस पर अगर फिर जवाब पर आप एतराज़ करो कि अगर मुफ़रत से मुराद आप आम लोगे तो फिर ऐसा होगा कि शर्तिया की तारीफ जामे नहीं रहेगी और हमलिया की तारीफ़ माने नहीं रहेगी क्यों शर्तिया के अतराफ़ को भी दो लफ्ज़ मुफरत से तबीर किया जा सकता है दो लफ्ज़ मुफरत से, से ताबीर किया जा सकता जैसे कि आपने हमलिया के अतराफ़ को दो लफज़ मफरत से हमलिया के अतराफ़ को ताबीर किया वैसे शर्तिया के अतराफ़ को भी दो लफ्ज़ मफरत से ताबीर किया जा सकता तो जो शर्तिया हैं लाजिम आएगा कि वो शर्तिया से निकल जाएँ और हमलिया में दाखिल हो जाए तो शरतिया की तारीफ जामे नहीं हमलिया की तारीफ़ माने नहीं तो शारे कहते हैं की शर्तिया मैं आप ये बात नहीं बोल सकते हो कि उसके अतराफ़ को भी दो लफ्ज़ मफरत से ताबीर किया जा सकता क्योंकि शर्तिया में तो हाजा ज़ैक़ हुआ हुआ से उसकी ताबीर नहीं हो सकती अगर ताबीर करना होगा तो यूँ कहना होगा इन तहक का हाजिल कजिया और तहक़ का तिलकल कजिया ऐसा करना पड़ेगा समझें इस तरीके से कहना पड़ेगा या यूँ कहना पड़े इम्मा पड़ इमांतः का, का कजिया और तहक़ का तिल कल कजिया इस तरीके से कहना पड़ेगा ज़ाहिर है कि इसके अतराफ़ इसके अतराफ़ दो मु मुफरद नहीं हैं लिहाजा लिहाजा शरत लिहाजा शरतिया की तारीफ़ जामे रही हमलिया की तारीफ़ माने रही ये जवाब शारे ने दिया कि शरतिया के अतराफ़ को दो लफ शरतिया के अतराफ़ की ताबीर अगर करनी भी होगी तो इस तरीके से ताबीर करनी पड़ेगी और इस तरीके से जब ताबीर करोगे तो अतराफ़ मुफरद नहीं रहते जवाब तो शारे दे दिए हैं मगर जवाब देने के बाद कहते हैं नाम बाकी यह हा होना शायर हाँ अभी भी जवाब के बावजूद यहाँ कुछ कहे जाने की गुंजाइश है जवाब के बावजूद कुछ कसर रह गया है और वो ये है कि शर्तियाँ की जैसे कि आपने तफसीर की कि तहलील के बाद दो मुफरद उसके अतराफ़ ना हों तहलील के बाद उसके तरफ़ेन दो मुफरद न हों जिस तरीके से आपने शर्तिया की तफसीर की तो शर्तिया की ताबीर शर्तिया की ताबीर हम उस तरीके से क्यों करें जिस तरीके से आपने बताया था कि इम्मा इन तहक़ा का हाजिल कज़िया और तहक़ा का तिलकल कज़िया समझ रहे हैं उस तरीके से हम शर्तिया के अतराफ़ शर्तिया के तरफें की तबीर नहीं करेंगे शर्तिया के अतराफ़ की तबीर एक दूसरे तरीक़े से हो सकती है मसलन मुतसिल लजूमिया है तो बोल सकेंगे बोल सकते हैं हाजा मलजूम लजालिक और मतसलामनफसेला है तो वहाँ बोल सकते हैं हाजा मानदुल्लिजालिक तो शर्तिया के अतराफ या तरफैन की ताबीर भी दो लफ्ज़ मुफरत से हो सकती है उस तरीके से ताबीर नहीं करेंगे जिस तरीके से आप बताए हैं बल्कि ताबीर यूँ करेंगे हाजा मज़ूम लिख हाजा मानित लिजा लिख तो शारे कहते हैं नाम बके है हाफ ना शे अभी कहने को कुछ बाकी रहा वो ये कि कज़िय शरतिया जैसा कि कजिय शर्तिया की तफसीर की गई कि शरतिया वो कज़िया है कि जब हम उसकी तहलील करें तो उसके दो दोफरद ना हों तो शरतिया की तारीफ जो मुसनफ़ ने की वो क्या कि तहलील के बाद उसके दो दोफरद ना हों वलाफी इम्कान एय्यू अबर अंतर फेहा तुशारे तो कहते हैं कज़िया के तरफान को भी तहलील के बाद श, क, शर्तिया के तरफान के भी तहलील के बाद दो मुफरत से ताबीर की जा सकती है कम से कम इतना तो बोला ही जा सकता है हाजा मलजूमलिज़ालिक ऐसा बोला जा सकता और ऐसा बोल बोला जा सकता ज़ाल का मानद लजालिक तो तारीफ़ में जो मुफरत का लफ्ज़ आया है खा उससे मुराद बिलफ़ल हो या बिल कुआँ हो या ऐसा माना जो दोनों को आम हो जो भी हो अगर मुराद मुफरत से या तो बिलफ़ल हो या बिल कुआ हो तो ऐसी सूरत में शर्तिया हमलिया के तहत दाखिल हो जाएगी तो शर्तिया की तारीफ अब जामे नहीं रहेगी हमलिया की तारीफ़ माने नहीं रहेगी तो आपने देखा कि मुसनफ़ ने जो हमलिया और शर्तिया की तारीफ की तारीफ़ की बिल आखिर हमलिया और शर्तिया की तारीफ पर जमो मना के अतबार से एतराज़ है तो फिर हमलिया और शर्तिया की क्या तारीफ़ होगी तो शारी कहते हैं फल ओला एफ़े कैदुला हल तारीफ़ बेहतर ये है कि हमलिया और शर्तिया में जो इनहलाल और तहलील की क़ैद लगाई गई है ये कैद ही हटा दी जाए तहलील की कैद ही हटा दी जाए बेहतर ये है कि इनहल की क़ैद को हस्फ कर, कर दिया जाए हमलिया की तारीफ़ से, से और शर्तिया की तारीफ से और तारीफ़ में इस तरीके से कहा जाए यानी बई लफ्ज़ तारीफ़ की जाए किस किन अलफ़ा में अमहकुम वही फ़िलक़िया इनका नाम उफरद क्या कहा जाए कि महकूम महकुमअल और महकूम भी कजिया में अगर दो मुफरद हो तो उस कजिया का नाम क्या रखा जाता है हमलिया रखा जाता है जैसे जैदन होलम इस महकुमल जैद है आलिम महकूम भी है ये दो तरफ़ दो मुफरद है तो ये हम लिया है तो ऐसा बोलना बेहतर है कि कज़िया में महकुमल है और महकूम भी दो मु हो तो हम लिया है और अगर दो मुफरद ना हो तो शर्तिया है शारे कहते हैं ये तारीफ़ जो अभी अभी मैंने जिक्र की ये मुताबिक है उस तारीफ़ के उस तारीफ़ के जिसको शेख अबू अली इब्न सहना ने अपनी किताब में ज़िक्र किया अपनी किताब शफा में ज़िक्र किया है वकील आपने सुना कि शर्े ने कहा कि जो तारीफ़ मुसनफ़ किए हैं हमलिया और शर्तिया के शर्तिया की तारीफ़ की है उस पर ढेर सारे एतराज़ हैं उनकी एतराज़ हैं और बड़े तकल्लुफ़ात हैं तो बेहतर ये है कि उस तारीफ़ को छोड़ करके वो तारीफ़ की जाए जो शेख ने अपनी किताब में हमलिया और शर्तिया की की है यानी कज़िया हमलिया वो कजिया है जिसमें महकुम अल महकुम भी दोनों दो मुफरद हों तो अगर महकुम और महकुम भी कजिया में मुफरद हैं तो मुफरद हैं तो ऐसी सूरत में वह हमलिया है और अगर उसके तरफें कज़िया के तरफान दो मुफरद नहीं हैं तो शर्तिया है इसी तारीफ़ को ज़िक्र किया है शेख ने शफा में वकील और एक कौल ये भी है हमलिया और शर्तिया की तारीफ़ में ये बात भी कही गई है और इन अल्फ़ाज़ में कही गईवाब हो कॉल हमलिया और शर्तिया की तारीफ़ में दुरुस्त ये तारीफ़ है दुरुस्त ये है कि यूँ कहा जाए हमलिया और शर्तिया की तारीफ़ में क्या कहा जाए तो इन इनहल्लत अलाक़ियत फ़ह शर्तिया यानी जो तारीफ़ थी उस तारीफ़ पहले तारीफ़ मुसनफ़ ने यह किया था कि कज़िया अगर दो मुफरत की तरफ मुनहल हो तो हमलिया है दो मुफरत की तरफ मुनहल ना हो तो शर्तिया है इन्हों क्या कहते हैं उसको पलट दो कि कजिया अगर दो कजिया की तरफ़ मुनहल हो दो कजिया की तरफ मुनहल हो तो शर्तिया है दो कजिया की तरफ मुनहल ना हो तो हमलिया है पलटने से क्या फ़ायदा होगा पलटने से ये फ़ायदा होगा कि हमलिया में कभी दो तरफ़ मुफरद होते हैं कभी एक तरफ एक मुफरद और एक कजिया हुआ करता है तो जब ऐसा बोलेंगे कि उसके दो कजिया ना हो तो ये आम रहेगा कि दो उसके दो कजिया ना हो ये आम रहेगा उसके तरफ़ेन दो मुफरद होने को उसके एक तरफ मुफरद हो एक तरफ़ कज़िया हो इन दोनों को शामिल रहेगा तो जैदा अबू हो काम मिसाल के तौर पर इससे ऐतराज़ वारिद नहीं होगा इसलिए इसलिए दुरुस्त बात यह है कि तारीफ इस तरीके से की जाए कि शर्तिया वो कजिया है जिसके तरफान दो कजिया की तरफ मुनहल हो और हमलिया वो कजिया है जिसके तरफान दो कजिया की तरफ मुनहल ना हो ऐसा बाज़ ने कहा है कहा गया है हमलिया और शर्तिया की तारीफ़ में कि दुरुस्त यह है कि यूँ कहा जाए कि कजिया अगर दो कजिया की तरफ मुनहल हो तो शर्तिया है वरना हमलिया है यानी दो कजिया की तरफ मुनहल ना हो तो वह कजिया हमलिया है क्यों लियाल यरीद अलैह ताकि इस पर एतराज़ ना पड़े जो मुसनफ़ ने जिस तरीके से तारीफ़ की हमारे मिसाल के तौर पे हमारे कौल जैदू का कैम से क्योंकि जैदा अबू का क़ायम यह कजिय हमलिया है बावजूद इसके कि दो दोफरत की तरफ मनहल नहीं है इसलिए कि महकुम भी जो अबू का क़ायम है यहाँ पर मिसाल के तौर पे महकुम भी इसमें क़ियािया है तो शारे कहते हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि इस तरीके से तारीफ की जाए इस तरीके से तारीफ़ की जाए शर कहते हैं ये दो ये दुरुस्त नहीं है दो एतबार से ये दुरुस्त नहीं है दो एतबार से अम्मा अवला जिन्होंने ऐसे कहा कि गज़िया जिन्होंने ऐसा कहा कि कजिया अगर दो मुफरत की तरफ जिन्होंने ऐसा कहा कि कजिया अगर दो मुफरत की तरफ मुनहल हो तो दो मुफरत की तरफ मुनहल हो जिन्होंने ऐसा कहा कि कजिया दो मुफरत की तरफ मुनहल दो क�... कजिया दो कजिया की तरफ मुनहल हो तो वो शर्तिया है और दो कजिया की तरफ मुनहल्ला हो तो हम लिया हम लिया है ताकि जैदन अबू व कायम जैसे से एतराज़ वारिद ना हो ये दो तरीके से दुरुस्त नहीं है ऐसा शारिक कह रहे हैं वो भलई साबाब ये दुरुस्त नहीं है दो तरीके से अम्मा अवला लेकिन वजह अव्वल तो ये फ़ली बानकूज़िल मस्कूरा अलह जिक्र करदा एतराज़ के इस पर वारद होने की वजह से और वो क्या है मसला जैद्लम युज़ादू जैदल आलि इसी तरीके से हमारा कॉल अशम्स वालयातनज़महार मौजूद इससे एतराज़ पड़ेगा कि इसके तरफान तो दो कज़िया हैं तो लाजिम आएगा कि यह शरतिया में दाखिल हो जाए और हमलिया से निकल जाए हालांकि हम लिया है तो शर्तिया की तारीफ़ माने नहीं हम लिया की तारीफ़ चाहे नहीं आप जो तारीफ़ कर रहे हैं इस तारीफ़ पर तो ये इतराज वारिद ही रहेगा उसको कहते हैं लेकिन वजह अव्वल तो जिक्र बातराज़ के इस पर वारिद होने की वजह से वह अम्मा सानियन और वजह सानी वो ये है दो तरीक़े से दूसरा तरीक़ा वो ये है लेन इहलाल क़़िया इलामामिन हो तरकीब हुआ आपने क्या कहा क़िया दो क़़िया की तरफ़ मुनहल हो तो शर्तिया है दो क़़िया की तरफ मनहल ना हो तो हमलिया है इनहलाल खुलना छुट्टा होना तहलील खोलना तो उस सिलसिले में शारे कहते हैं ये दो तरीके से दुरुस्त नहीं है दूसरा तरीका इसलिए कि कजिया का इनहलाल तो उन्हीं अज्जा की तरफ होगा जिससे उसकी तरकीब हुई कोई भी मुरक्कब चीज़ की जब आप तहलील करेंगे तो उस मुरक्कब से वही अज्जा तो हासिल होंगे जो अज्जा तरकीब के वक्त उसमें मौजूद हैं और तरकीब के वक्त उसमें मौजूद है तो कजिया की तहलील करेंगे तो तहलील के बाद उससे वही तो हासिल होंगे कजिया शर्तिया से वही अज्जा तो हासिल होंगे जो उसमें तरकीब के वक्त मौजूद रहे होंगे जो तरकीब के वक्त मौजूद ही नहीं तहलील के बाद वो भला कहाँ से वजूद में आ जाएंगे उसको शायर बयान कर रहे हैं अम्मा सान इसलिए कजिया की तहलील उन्हीं अज्जा की तरफ तो हो सकेगी जिससे कजिया की तरकीब है व शरती तरकब मिनकज़ियत और शर्तिया ये दो कज़िया से शर्तिया दो कज़िया से मरक्ब होता ही नहीं व शरतियतलात मिन मिनकज़ियत और शर्तिया दो कज़िया से मरक्ब होता ही नहीं क्यों क्योंकि अदवात शर्त इन मसलन मसल अदवानात इम्मा इम्मा और अदवाश शर्त इन और फ़ा क्योंकि अदवात शर्त और अद्वाते इनाद ने उनके अतराफ़ को कजाया होने से निकाल दिया क्या आप नहीं देखते हो कि जब हम अशम्स तालिया बोलते हैं तो ये कज़िया है क्योंकि सिद्ध और किसब का मोहतमिल है फिर जब हम इसके ऊपर अदा शर्त को दाखिल कर देते हैं और इस तरीके से कहते हैं इनका न तालिया अगर सूरज तलु है तो अदात शर्त को दाखिल कर देना ख़ारज है इसकी वजह से ये कजिया होने से ख़ारिज हो गया जो सित और किसब का अहतमाल रखे कजिया होने से ख़ारिज हो गया कजिया होने से खारिज हो गया नाम रुबाम मकाल फियाजलफन हाँ कभी कभी इस फ़न में बोल दिया जाता है इस मंतिक में बोल दिया जाता है कि क़़िया शर्तिया दो कज़िया से मरक्ब होता तो ये मजाजन होता है इस एतबार से कि उसके तरफान में जब हुक्म का एतबार कर लिया जाएगा तब ये दो कज़िया होंगे वरना हकीकत ये है कि वो दोनों यानी कज़िया शर्तिया के अतराफ़ दो कज़िया नहीं हैं तरकीब के वक्त और न ही तहलील के वक्त तमदरस अलियो रब्बिल आलमीन